हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी शबाना शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ वीकली प्रेडिक्शन लेकर। 2 सितंबर 2019 से लेकर 8 सितंबर 2019 तक की प्रेडिक्शन लेके वर्गों तक मैं प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ। चलिए अब नेक्स्ट राशियों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी आती है लिब्रा यानी कि तुला। तो ये जो प्रेडिक्शन है हम टैरो कार्ड्स के द्वारा कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स हमें बताइए तुला राशि यानी कि लिब्रास के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो 5 of Wands, 9 of Wands एंड देन द डेविल, फिर आया आपका 5 of Pentacles और फिर आया 4 of Swords। तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दौड़ धूप है, बहुत थकान होने वाली है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसकी अभी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि उसके लिए मेहनत उतनी नहीं हुई है जितनी आपको मेहनत करनी चाहिए। कहीं कुछ लूप होल है तो उस लूप होल को भी आप कंप्लीट करिए और दोबारा से प्लानिंग करिए कि जो आपने काम करने हैं उसकी प्लानिंग आपकी ठीक है कि नहीं है। तो आपको किसी की हो सकता है किसी से जो है सलाह भी करनी पड़े, कंसल्टेशन भी करनी पड़े, तो वो सलाह लेने से आप झिझकिए नहीं, किसी भी और जो आपसे ज़्यादा थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन हो उसके पास जाइए और सलाह करिए। और जहाँ तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस दिखता है मुझे थोड़ा सा लो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको कहीं लोन लेना पड़ सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने लोन लिया तो आपकी रातों की नींद ख़राब होने वाली है और वो लोन चुकाने में आपको खासा दिक्कत होने वाली है। और अगर हम रिलेशनशिप की तरफ चले तो रिलेशनशिप्स की तरफ अभी आपका ज़्यादा ध्यान मुझे दिख ही नहीं रहा, आप अपनी ही मस्ती में हैं और बस अपना काम करे चले जा रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन में भी नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स तो बाद में हम सुधार ही लेंगे, अभी सिर्फ हम काम की तरफ ध्यान दें, पर ऐसा नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर आप चुक खा जाएंगे। और अगर आपकी हेल्थ की बात करें, हेल्थ की बात थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ तो आपकी ठीक रहेगी, आपके मिजाज में थोड़ी सी तेज़ी रहेगी, तो वो आपके मिजाज में तेज़ी ज़रूरी भी है, उसको बरकरार रखिए। अब नेक्स्ट राशि हमारी आती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। टैरो कार्ड्स बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जो हैं प्यार में बहुत मायूस से नज़र आ रहे हैं, कुछ अनबन हो गई है पार्टनर से, चाहे स्पाउस हैं चाहे आपके फ्रेंड हैं, उनसे मुझे ऐसा लिख रहा है कि थोड़ी सी अनबन हो गई है। कोई बात नहीं, प्यार से मिलिए और प्यार से बातचीत करके जो है आप चीज़ों को सॉल्व करिए। पक्का 101% अश्योर करती हूँ चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और जो आपका दिल टूटा हुआ है वो बिल्कुल दोबारा से जुड़ जाएगा। और अगर देखा जाए काम काज के लिए, तो काम काज के लिए जो है बाय द वर्ड ऑफ माउथ आपको बहुत काम आने वाला है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आपकी कहीं पे यात्रा होने वाली है, हो सकता है कहीं आप बाहर जाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और अगर पैसों की बात करते हैं, पैसे आप जो है थोड़ा बचा के प्लान करके चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इसको भी आप बरकरार रखिए। और क्योंकि पैसों को आप बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट मतलब सेविंग में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो सेविंग होती है वो ही अर्निंग होती है। तो इसी फलसफे को आप फॉलो कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है सेजिटेरियन। सेजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। तो देखते हैं धनु राशि वालों के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो कार्ड्स हमें बताइए कि धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। तो कार्ड्स हमारे तैयार हैं और बता रहे हैं हमारे 10 of Wands, उसके बाद है आपका 2 of Pentacles, देन आया 4 of Cups और फिर आया द फूल, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड। हाँ, आप जो भी कर रहे हैं, आप काम को बहुत बर्डन की तरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वो ज़रूरी है आपके काम के लिए। हाँ, फिर आपका जो पैसा है वो इधर से लेके उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
वो भी ठीक है, जबकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं और आगे की सेविंग्स जो हैं आप अपने काम में लगाए जा रहे हैं, तो डोंट वरी, ये इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको आगे ज़रूर फल देगा। हाँ, थोड़ी प्लानिंग की भी ज़रूरत है, थोड़ा लापरवाही भी आप कई चीज़ों में कर रहे हैं, बट द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। लापरवाही को छोड़ के और जो बाकी स्टेप्स आप ले रहे हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया, हाँ, नाइन ऑफ वॉन्स आया, एंड देन फाइव ऑफ वॉन्स आया। ये बताता है कि कहीं रिलेशनशिप में आपकी खटपट होने वाली है, तो उसको ज़रा आप पहले से ही, जब मैंने आपको बता दिया कि आपका वीक में थोड़ा सा खटपट हो सकती है, तो चीज़ों को पीना शुरू कर दीजिए। पीना ऐसा नहीं कि अपनी सेहत ही ख़राब कर लें, थोड़ा लेट गो करिए। जब आप किसी चीज़ के पीछे या किसी रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो वो रिलेशन आपसे दूर हो जाता है। इसलिए चीज़ों को छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा। अब आगे हम देखते हैं, फिनेंशियल स्टेटस थोड़ा पॉज नज़र आ रहा है और काम में आगे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होने सकती है, क्योंकि पैसों की रुकावट से आप उसके लिए अगेन आप मैं आपको प्लानिंग की सजेशन दूंगी। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ की बात के लिए मैं ये कहूँगी, अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा चेक रखिए, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, थोड़ा गायनिक प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है फीमेल्स के लिए, तो उसकी तरफ भी आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर को हो सकता है दिखाना पड़े। तो ये था सजिटेरियंस के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, तो कार्ड्स बताइए मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्स, और फिर उसके बाद आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, देन एस ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। आप तो बहुत ही प्लान्ड और एक्टिव और डीप थिंकर हैं, मैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए बोल रही हूँ, और आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। जहाँ काम की जगह है आपका बैलेंस्ड वर्क चल रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी 101% नज़र आ रही है, सारे एलिमेंट्स आपके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, पैसे भी आपके पास जो है भरपूर मात्रा में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। आप जो करेंगे उसमें आप सफलता पाएंगे। अब हम देखें आपके रिलेशनशिप्स, अगर आपके रिलेशनशिप्स देखते हैं तो बिल्कुल आपके जो रिलेशनशिप है वो भी इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। जो इंसान आपके काम आएगा, जो आप लगते हैं, जिन लोगों से आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, या आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, या आपके कामकाज में आपको और अपलिफ्टमेंट मिलती है, रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उन्हीं से ज़्यादा अच्छा बेहतर रखने वाले हैं। बाकियों को दरकिनार कर देंगे ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बाकी लोग भी आपकी तरफ पूरी तवज्जो दिए हुए हैं, उनको कहीं हर्ट मत कर दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कह रही हूँ मैं ये। उसके बाद जहाँ तक पैसों की बात है, पैसे बिल्कुल सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। आई थिंक अभी तक की जितनी भी मेरे प्रिडिक्शन की है, कैप्रिकॉर्न्स का बेस्ट प्रिडिक्शन आया है। अब हम चलते हैं अक्वेरियंस के लिए। अक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, सेकेंड सितंबर 2019 से लेकर 8 सितंबर 2019 तक के लिए, तो लेट्स सी एक्वेरियंस टैरोकार्ड्स बताइए एक्वेरियंस कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो उनके लिए आया है थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्स, एट ऑफ कप्स, देन सिक्स ऑफ वॉन्स, एंड देन एस ऑफ कप्स। आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी बात को लेकर, और आपकी जर्नी भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप कहीं जाएं, कहीं सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ चार दोस्त मिलकर थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें, वो भी नज़र आ रहा है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कहीं जाने की तैयारी है, और जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, और वहाँ पे कुछ इमोशनल टच भी मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको बहुत खुशी मिलेगी।
और अगर हम हेल्थ के लिए देखें, हेल्थ थोड़ी आपकी नासाज लग रही है, आपके दांत में दर्द ना हो, अपने दांत के दर्द की थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपके दांत के दर्द में हो तो जल्दी से क्लोव ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा अंदेशा है कि आपके दांतों में दर्द उठ सकता है, गम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जहाँ तक पैसों का मामला है, पैसा आप जो है पैसों में थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है आप फालतू खर्च करने वाले हैं, और थोड़ा उसके ऊपर अपना नियंत्रण करिए, खर्चे आप ना समझी से मत करिए, सोच विचार करके करिए, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा खर्च मुझे ऐसा लग रहा है दवाइयों पे भी होने वाला है, तो ठीक है वो तो ज़रूरी खर्चा है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज खर्चे सोच समझ के करिएगा। अब हम लास्ट राशि पाइसिस की तरफ चलते हैं, मीन राशि। देखिए उनका ये वीक कैसा रहने वाला है, तो कार्ड्स बताइए पाइसिस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, उसके बाद एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये कार्ड ये बता रहा है आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, कोई जिद चल रही है, कुछ फाइनेंसेस को लेकर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, उसको आप करिए, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपको सपोर्ट करने वाला है। फिर आया है आपका पेज ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट एंड देन अगेन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि हेल्थ थोड़ी आपकी नासाज हो सकती है, कुछ आपको मेंटल टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई बात आपको खटक रही है जो कि आपकी नींद खराब करने वाली है, तो नींद खराब मत करिए और जो है अपना पूजा पाठ में, मेडिटेशन में अपना ध्यान रखाइए, आपको ज़रूर फायदा होगा। अब हम चलते हैं इनके रिलेशनशिप्स की तरफ। रिलेशनशिप की तरफ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत सारे दोस्त बनने वाले हैं, बहुत तरफ से आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपके कुछ गेट टुगेदर भी होने वाला है, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर पाइसेंस। देन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल ऑफ ऑल द जोडियक्स। ये था आपका वीकली प्रिडिक्शन। अब नेक्स्ट वीकली प्रिडिक्शन के लिए मैं अगले हफ्ते अगले संडे आऊँगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीक, स्टे ब्लेस्ड।